बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास वन के साइंस के यूनिट नंबर 15 के पेजेस नंबर 68 और 69 को। गुज़िश्ता दो दिनों की डायरी में हमने प्रीवियस कुछ पेजेस जो हैं उनको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 15 के पेज नंबर 60 और 69 को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में आपको यहाँ पर कुछ बातें बताएंगे जो बिजली के बारे में होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि बिजली क्या होती है, कैसे पैदा होती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसे बचाना क्यों ज़रूरी होता है। हाउ मेनी थिंग्स इन योर होम यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, आपके घर में कितनी चीज़ें हैं जो बिजली जो है वो यूज़ करती हैं, बिजली को इस्तेमाल करती हैं चलने के लिए। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, आपके घर में इस्त्री है, आयरन, यस बिजली से चलती है, फ़ैन है, बिजली से चलता है, उसके बाद फ्रिज है, बिजली से चलती है, लैंप भी बिजली से चलता है, कंप्यूटर भी बिजली से चलता है। इसके बाद आपके पास मोबाइल जो होते हैं वो भी जब तक चार्ज ना हो बिजली के थ्रू तो वो भी नहीं चलते। इस तरह लैपटॉप हो गया, आपका जो टेबल लैंप हो गया, फिर आप जब कार्टून देखने के लिए टीवी वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये चीज़ें भी बिजली से चलती हैं। मम्मा की वॉशिंग मशीन भी बिजली से चलती है, जूसर मशीन भी बिजली से चलता है। इवन कि आजकल तो कुछ ऐसे जो हैं वो चूल्हे आ गए हैं जो बिजली के थ्रू गर्म होते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर खाना जो है वो कुक करते हैं, ठीक है। तो बिजली जो है वो हमारे घरों के लिए, हमारे लिए बहुत असेंशियल है। सर्दियों में जो है हम उसके थ्रू हीटर जो है उनको भी गर्म कर लिया जाता है, जिससे रूम गर्म हो जाता है, रूम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। और उसके साथ साथ सर्दियों में आप जो है वो एसी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिजली के थ्रू ही चलता है। तो लेट्स स्टार्ट। कीवर्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर और वेस्ट, ठीक है। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली की ज़रूरत होती है एट होम, घरों में, इन स्कूल, स्कूलों में, स्कूल में एंड अदर प्लेसेस और दूसरी जगहों पर। घर में भी आपको बिजली की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है और आपको बिजली चाहिए होती है। जब थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है, आप पानी की मोटर तक चलाकर पानी नहीं भर सकते हैं क्योंकि बिजली नहीं है तो वो चलेगी नहीं, ठीक है। अंधेरा है तो आपको टॉर्च यूज़ करनी होती है और वो भी उसमें भी बिजली की ही एक फॉर्म जो है वो सेल की शक्ल में इस्तेमाल की जाती है, बिजली सेल्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में भी आपको चाहिए होती है, स्कूल के साथ अगर आप कहीं और पार्क वगैरह जाते हैं, बस अड्डे पे जाते हैं, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको बिजली की ज़रूरत होती है। किसी हॉस्पिटल में गए हैं, किसी पार्क में गए हैं, किसी शादी ब्याह पे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड, बिजली इस्तेमाल होती है टू पावर मैनी थिंग्स, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ताकत देने के लिए। ये ताकत की एक किस्म है, ठीक है। जब आप लोग चीज़ें को खींच रहे होते हैं तो आप अपनी ताकत लगा रहे होते हैं, चीज़ों को धक्का लगा रहे होते हैं, आप अपनी ताकत लगा रहे होते हैं। इसी तरह बिजली जो है ये भी एक ताकत है जो कि चीज़ों को चलाती है, चीज़ों को रोशन करती है, चीज़ों को गर्म करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मेड, बिजली जो है वो बना देती है आवर लिव्स ईजी, हमारी जिंदगियों को आसान। अगर आप यही काम, कपड़े इस्त्री करने वाला काम ही सोच लें कि आपने जो है बिजली से नहीं करना तो आप कैसे करेंगे। पहले आग जलाएंगे, कोयले जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, उनको फिर एक होती है इस्त्री जिसका ऊपर वाला ढक्कन ही खुल जाता है, पुराने ज़माने में वो इस्तेमाल होती थी, उसके अंदर वो कोयले डाले जाएंगे, फिर उसे बंद किया जाएगा, तब हाथ जलने का भी खतरा होगा, कपड़े के ऊपर कोयले गिरने का भी खतरा होगा, धुएं जो है वो पहले वो आपकी तबीयत ख़राब करेगा, आपकी नोज़ में जाएगा, आइज़ में जाएगा, और उसके बाद आप उसके साथ आपको जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने होंगे और उसको ना तो कम करने वाला उसका स्विच होगा कि आप जो हैं उसको वार्मर जो उसको गर्म होना है इस तरीका उसे कम कर लें या ज़्यादा कर लें, बल्कि बस जितना टाइम है वो आपके पास लिमिटेड होता है कि उसके अंदर आप कपड़े इस्त्री कर लें, क्योंकि कोयले जब ख़त्म हो जाएंगे तो इस्त्री वो वाली फिर ठंडी हो जाएगी। कितना टफ वर्क है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसने ईजी कैसे कर दिया है, लाइट है, आप स्विच लगाएं, बटन दबाएं और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दें, और इसके ऊपर एक नोब होती है जिसके थ्रू आप इसको कम या ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी आसान इसके थ्रू होगी। इसी तरह पंखा है, गर्मियों में हाथ वाले पंखे, अगर बिजली चली जाए तो आप हाथ वाले पंखे को झलते हैं, जब यूँ ऐसे ऐसे करके हवा लेते हैं, कितनी देर ले सकते हैं आप, क्या सारी रात ले सकते हैं, नो। सारी रात कौन काम करता है, पंखा काम करता है, और किसके थ्रू काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करता है। तो इसलिए ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है, किसके ज़रिए आसान हो गई है, बिजली के ज़रिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हमें इसे ज़ाया क्यों नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि जब आप बेतहाशा तौर पर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो दो तीन नुकसान होते हैं। पहला ये कि घर की सतह पर नुकसान ये होता है कि आपको बिल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप फालतू की लाइट्स ऑन रखते हैं तो उससे माहौल में हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से क्या है, हमारी ज़मीन जो है उसका माहौल ख़राब हो रहा है, ठीक है। एक जो आम सादा बल्ब है वो भी इतनी एनर्जी, इतनी हीट पैदा करता है जो कि कुछ पौधों के लिए ख़तरनाक होती है, और उसकी
शुआएँ जो हैं वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जो तीसरा नुकसान होता है वो मुल्की नुकसान होता है कि जब एक ही जगह पर बिजली ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो दूसरे इलाकों में फिर वो लोग लोड शेडिंग कर देते हैं, यानी कि बिजली बंद कर देते हैं जो कई कई घंटों पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि फिर बिजली की किल्लत हो जाती है ना। जैसे आप अगर फ़र्ज़ करें आपकी टंकी फुल पानी की भरी हुई है, लेकिन अगर आप एक टूटी को ही खुला रखो, ठीक है, क्या होगा, कुछ देर में टंकी खाली और फिर बाकी किसी टूटी में भी पानी नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। तो यही हाल बिजली का होता है कि जब बिजली आप ज़्यादा ज़रूर से इस्तेमाल करते हैं तो फिर दूसरे इलाकों में या आपके इलाके में लोड शेडिंग कर दी जाती है। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वो यूज़ एन आयरन, हम इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं टू प्रेस आवर क्लोथ, अपने कपड़ों को इस्त्री करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं। वी फील कूल, जब हमें ठंड लग रही हो तो क्या होता है, वैन वी स्विच ऑन अ फैन, तो हमें जब ठंड तब कब लगती है, हमें ठंडक कब महसूस होती है, जब हम स्विच ऑन यानी चलाते हैं अ फैन, एक पंखे को, जब पंखे को चलाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। वो स्टोर आवर फूड, हम अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, इन अ फ्रिज, एक फ्रिज के अंदर, और वहाँ दिनों तक जो नीचे फ्रिज होती है उसमें खाना दिनों तक जो है वो अच्छा रहता है, फ्रोस्ट हो जाता है, सॉरी हम उसे फ्रीज़ कर लेते हैं, और ऊपर जो फ्रीज़र होती है उसमें तो महीनों तक की चीज़ें आप स्टॉक कर लेते हैं। मम्मा जो होती हैं वो मटर के दाने निकाल लेती हैं, उनको स्टोर कर लेती हैं। इसी तरह आपका घी वगैरह जो देसी होता है उसको भी स्टोर कर लिया जाता है, या फिर कोई गोश्त वगैरह आया होता है तो कोई मेहमान अगर आने वाले हों तो मम्मा पहले से मंगवा के वॉश करके उसको स्टोर कर लेती हैं, ऐसा ही होता है ना। या आप अपनी कोई फेवरेट आइसक्रीम है उसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं, चॉकलेट को स्टोर कर लेते हैं। वो यूज़ अ लैम्प, हम एक लैम्प का इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइटिंग, रोशनी के लिए। ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं नीड इलेक्ट्रिसिटी, इन तमाम चीज़ों को किसकी ज़रूरत होती है, बिजली की, टू वर्क, काम करने के लिए। इन सब चीज़ों को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को क्यों बचाना चाहिए, वो अब यहाँ ये पूछ रहा है। यहाँ वो कह रहे थे कि हमें इसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, और यहाँ वो पूछ रहा है कि हमें बिजली को बचाना क्यों चाहिए। वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए कि बिल ज़्यादा आएगा, दूसरे इलाकों में लोड शेडिंग हो जाएगी, हमारा जो माहौल है वो ज़्यादा वार्म होगा, और यहाँ हमें बिजली को इसलिए बचाना चाहिए ताकि और लोग जो दूर दूर के इलाके हैं, दूर दूर के जहाँ पर अभी बिजली नहीं पहुँची, उन इलाकों में भी बिजली की सहूलत मिले, ताकि बिजली अगर स्टोर होगी तो वो लोग आगे पाइपलाइन बिछा कर उन इलाकों को भी बिजली प्रोवाइड करेंगे ना, जब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो आगे कहाँ पर बिजली देंगे, ठीक है। ये आपने जो है चैप्टर मैंने आपको अच्छे से जो है वो रीड आउट कर दिया है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ आपको ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हैंड्स को बार बार सैनिटाइज़ करें, पेरेंट्स का कहना माने, बिला जरूरत घरों से बिल्कुल बाहर मत निकलें। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से आपको समझ नहीं आए, कहीं से आपको रीडिंग में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।